हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके साथ में मठे के आलू की रेसिपी शेयर करेंगे। ये हमारे बुंदेलखंड की ट्रेडिशनल डिश है, इसे हम दही वाले आलू भी कहते हैं। इसकी रेसिपी मुझे मेरी सासू माँ ने दी है और बहुत ही कम तेल मसाले से बनकर ये तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं हम इसकी ईजी सी रेसिपी। मठे के आलू बनाने के लिए हमने कुछ सामग्री ली हुई है, जैसे आधी छोटी चम्मच जीरा, 3 चुटकी हींग, 1/4 छोटी चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, आधी छोटी चम्मच हम इसमें धनिया का इस्तेमाल करेंगे, 1/3 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और नमक स्वाद अनुसार। मठे के आलू बनाने के लिए आपको मठे की ज़रूरत है। अगर आपके पास मठा ना हो तो आप दही से ही बना सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए हमने 200 ग्राम के लगभग दही लिया हुआ है। 50 ग्राम पानी डालकर हम इसे मिक्सर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा मठा तैयार है। लेकिन मठा बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खट्टे दही का यूज़ करना है इसमें। और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस सब्ज़ी का टेस्ट खट्टा है क्योंकि हम इसे छाछ या मठे से बना रहे हैं। अगर आप भी मेरी तरह इसे दही से बनाएं तो दही एकदम खट्टा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। जितना हमने इसमें दही का यूज़ किया है उतना ही हमें इस पर पानी भी ऐड करना है। और अब सेम बाउल में हम हल्दी पाउडर, नमक मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे बनाने के और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हरी मिर्ची को हमने बारीक काट कर ले लिया है। मठे के आलू को हम एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहे हैं। इसमें हम 2 चम्मच सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और इसमें जीरा ऐड कर देंगे। और जैसे ही जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, साथ में हम हींग भी ऐड कर देंगे। हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो चुका था। लगभग 10 सेकेंड हमने इसे अच्छे से चला लिया है। इसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ में हम लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे क्योंकि तेल बिल्कुल ही ठंडा हो चुका था। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं, आलू को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आलू इसमें मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें मठा ऐड करेंगे जो अभी हमने मिक्स करके रखा हुआ था। और इस टाइम पर हमने गैस की फ्लेम हाई कर दी है और इसे लगातार चलाते हुए हमें उबाल लेना है। जब तक सब्ज़ी अच्छे से खोलने ना लगे हमें इसे लगातार चलाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो हमारे मठे के आलू फट जाएंगे। जब इस तरीके से सब्ज़ी उबलने लग जाए तब हमें इसे नहीं चलाना है। और इसी तरीके से हमें लगभग इसे 10 मिनट के लिए पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। इस सब्ज़ी को ना तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। लगभग 6-7 मिनट हमने सब्ज़ी को मीडियम फ्लेम पर खौला दिया है। उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे 5 मिनट के लिए। इस सब्ज़ी को हम जितना ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ा दिया करिए। और सबसे लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल पर और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डले हुए हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लीजिए, हमारे मठे के आलू तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इस सब्ज़ी का टेस्ट नॉर्मल सब्ज़ी से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।